हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश और मैं आज अपनी ऑटोमोबाइल रेडियो लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। जो इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है वो इंडिया के अंदर कल ऑफिशियली लॉन्च हो गई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया की जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है उसकी टॉप स्पीड क्या है और उसके काफ़ी सारे डिटेल्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आपको भी अगर कोई इलेक्ट्रिक बाइक का वेटिंग कर रहे हो तो फ्रेंड ये बाइक आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो अभी आपको इंडिया में कोई भी ब्रांड आपको इतनी टॉप स्पीड नहीं दे रही है। और फ्रेंड, ये बाइक हमें 0 से 100 ओनली 7.2 सेकंड में ही ले जा सकती है, मतलब कितनी फास्टेस्ट बाइक होगी ये इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं इसी बाइक के बारे में और भी कुछ जानते हैं कि इस बाइक में हमें और क्या क्या नया चेंजेस देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करने वाला बाइक के नेम के बारे में। तो फ्रेंड, जो अल्ट्रावायलेट कंपनी है उसने बाइक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी है। और फ्रेंड, जो अल्ट्रावायलेट कंपनी है वो एक बैंगलोर बेस्ड ब्रांड है। और फ्रेंड, इस बाइक का जो फर्स्ट मॉडल है वो हमें अल्ट्रावायलेट F77 के नाम से इंडिया के अंदर मिलने वाला है। और फ्रेंड, जो अल्ट्रावायलेट F77 बाइक है फ्रेंड, इसके अंदर हमें टोटल 3 वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर में जो फर्स्ट वेरिएंट है वो हमें अल्ट्रावायलेट F77 लाइटिंग वेरिएंट, और जो सेकंड वेरिएंट है वो हमें F77 शेडो वेरिएंट, और थर्ड नंबर पे हमें F77 लेजर वेरिएंट। ये 3 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जब मैं बात करने वाला अल्ट्रावायलेट F77 के प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड जो तीनों वेरिएंट्स है वो हमें 3 लाख से लेकर 3.25 लाख के अंदर हमें तीनों वेरिएंट देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, जो ये प्राइस मैंने आपको बताया वो ऑन रोड प्राइस है, मतलब ये इंडिया का ऑन रोड प्राइस है। 3.25 लाख तक हमें सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, जब मैं बात करने वाले इस बाइक के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड में ये बाइक हमें इंडिया के अंदर 147 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, इस बाइक के अंदर में 3 बैटरी पैक देखने को मिलेंगे, जो हमें सिंगल चार्ज के अंदर 130 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक का हमें ड्राइव रेंज देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम हमारी बाइक एक बार चार्ज करते हैं तो हमें 130 से लेकर 150 किलोमीटर तक ले जा सकती है। और फ्रेंड, अगर मैं इस बाइक के वेट के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये बाइक हमें 158 kg कार्ब वेट के साथ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, अगर मैं इसके चार्जिंग टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, ये बाइक हमें फुल चार्ज होने में 5 आवर का टाइम लेगी, जो उसका स्टैंडर्ड चार्जर है। और जो उसका सेकेंडरी चार्जर है उसके अंदर हमें 1.5 आवर का टाइम लेगी फुल चार्ज होने में। मतलब जो सेकेंडरी चार्जर है वो हमें फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। मतलब इस बाइक के अंदर हमें 2 चार्जर देखने को मिलेंगे, स्टैंडर्ड चार्जर और फास्टेस्ट चार्जर, ये 2 चार्जर हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, जो अल्ट्रावायलेट F77 बाइक है वो हमें टोटल 3 राइडिंग ऑप्शन में देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें इको मोड, स्पॉट मोड और इंसेन मोड, ये 3 मोड हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, जब मैं बात करने वाले इस बाइक के कुछ इंजन डिटेल्स के बारे में, तो फ्रेंड ये जो बाइक है वो हमें एयर कूल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ देखने को मिलेगी, जो हमें 25 किलोवाट प्रोड्यूस करती है। और इसके अंदर हमें 33.5 एचपी से लेकर 2250 का आरपीएम हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और इसके अंदर हमें 90 एनएम का टॉर्क भी हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाले इस बाइक के ब्रेकिंग ऑप्शन के बारे में, तो फ्रेंड इस बाइक के फ्रंट में हमें 320 एमएम की फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी और रियर में हमें 230 एनएम की रियर डिस्क हमें देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, ये बाइक हमें ड्यूअल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, जब मैं बात करने वाला अल्ट्रावायलेट F77 बाइक के फीचर्स के बारे में, तो फ्रेंड इस बाइक के अंदर हमें फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स के साथ हमें देखने को मिलेगा। और फ्रेंड, इसी के साथ हमें एयर अपडेट, शो राइड एनालिसिस और बाइक लोकेटर जैसे फीचर्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, इस बाइक के अंदर हमें काफ़ी सारे एसेसरीज भी देखने को मिलती है, जैसे कि फ्रेंड इसके अंदर हमें व्हील कैप्स, क्रैश गार्ड और पैनर्स, वाइजर, स्टैंडर्ड चार्जर और होम चार्जिंग पोर्ट, पोर्टेबल फास्ट चार्जर और डैशबोर्ड थीम जैसे काफ़ी सारी एसेसरीज हमें इसके साथ देखने को मिलेगी। और फ्रेंड, जब मैं बात करने वाले इस बाइक के कलर ऑप्शंस के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें टोटल 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमें स्टील ग्रे, लाइटिंग सिल्वर और क्रिमसन जैसे कलर ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड, अब मैं बात करने वाले इस बाइक के बुकिंग और डिलीवरी के बारे में, तो फ्रेंड इसका जो बुकिंग है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गया है। और अगर मैं इसकी डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट डिलीवरी हमें बैंगलोर के अंदर मिलने वाली है। और फ्रेंड, बैंगलोर के अंदर हमें 3rd half 2020 तक देखने को मिलेगी, मतलब ये बाइक हमें 2020 के एंड तक देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। और फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और भी अगर आपको ऐसे इंटरेस्टेड वीडियोज़ या फिर ऑटो न्यूज़ के बारे में जानना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।